सोलन के राजगढ़ रोड पर सूर्य बिहार के समीप दो युवाओं को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। यह दोनों युवा बिलासपुर के हैं, जिनके नाम अमित और अनिल हैं। यह दोनों सुनहरे भविष्य की तलाश में यहां पढ़ने आए थे, जिसमें से एक युवक बैंक की परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो दूसरा निजी विश्वविद्यालय में वी फार्मा का विद्यार्थी है। फिलहाल दोनों युवाओं के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और दोनों युवाओं से गहन पूछताछ की जा रही है कि आखिर यह दोनों युवक चिट्टा कहां से लेकर आए और यह किसे बेचने जा रहे थे। अधिक जानकारी देते हुए DSP अमित कुमार ने बताया कि पुलिस को काफी समय से शिकायत मिल रही थी कि सूर्य बिहार में नशे का काला कारोबार चल रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने अपना जाल बिछाया और नशे का कारोबार करने वाले दो युवाओं को 12.15 ग्राम चिट्टे के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों युवाओं के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है और उनसे जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर उन तक यह नशे की खेप कैसे पहुंची और उनके साथ और कितने लोग जुड़े हैं। दिनांक 12 फरवरी 2019 को शाम को तकरीबन 8:30 बजे सदर थाना के ASI रमेश को गुप्त सूचना मिली कि सूर्य विहार के एक मकान में अमित शर्मा नाम का एक व्यक्ति नशीले पदार्थ बेचने का काम करता है। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए ASI रमेश और उनकी टीम ने इस रिहायशी मकान में दबिश दी और तलाशी के दौरान 12.11 ग्राम हेरोइन, सिल्वर फॉयल, इंजेक्शंस, सिरिंजेस, वेइंग स्केल और सिगरेट नुमा नोट, जले हुए नोट और 78,000 कैश ये बरामद किया। इसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार हुए लोगों का नाम अमित शर्मा और अजय शर्मा है। ये दोनों बिलासपुर ज़िला के रहने वाले हैं और अमित शर्मा जो है ये बैंकिंग सर्विसेज की तैयारी करना बताता है और अजय शर्मा जो है एक निजी विश्वविद्यालय में बी फार्मेसी का स्टूडेंट है। इन दोनों को विधि अनुसार गिरफ्तार किया गया है और इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और इनसे आगे पूछताछ की जाएगी कि इनके तार नशे के व्यापारियों से या नशे के व्यापार से किस हद तक जुड़े हैं।